प्रदेश भर में लोगों ने उत्साह व उमंग के साथ किया नए वर्ष का स्वागत। कई स्थानों पर देर रात तक मनाया गया जश्न। नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल कल 2 जनवरी से होगा शुरू। 6 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में विंटर क्वीन प्रतियोगिता और वॉइस ऑफ कार्निवल होंगे मुख्य आकर्षण। ऊना में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय में पेश आया बड़ा हादसा। ट्रक से मार्बल उतारते समय मार्बल के नीचे दबे 5 मजदूर। हादसे में 2 की मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने नाहन के गोविंदगढ़ में सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास। कहा, भाजपा कार्यकाल में तेजी से हो रहा नाहन क्षेत्र का विकास। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की स्मृति में जारी किया वार्षिक कैलेंडर। शिमला में सांसद प्रतिभा सिंह ने किया स्मृति कैलेंडर का विमोचन। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी रहे मौजूद। प्रदेश में आज दोपहर तक 47 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। केवल 1 नया मामला चंबा में आया सामने। प्रदेश में अब तक 2,28,858 लोग हो चुके हैं संक्रमित। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में 3 दिवसीय नववर्ष मेला शुरू। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र में की गई करीब 125 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। राज्य के अधिकतर भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी। कई क्षेत्रों में पारा जमाव बिंदु से नीचे। अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्के हिमपात और वर्षा के आसार।